अस्सलामुअलैकुम। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई रेसिपी और आज हम बनाएंगे चिकन बर्गर। सबसे पहले हम चिकन में अदरक लहसुन डालेंगे, फिर इसमें टिक्का मसाला शामिल कर देंगे। टिक्का मसाला शामिल करने के बाद हम इसमें जो है वो हाफ चम्मच नमक शामिल कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे सिरका 2 चम्मच। अब इसको मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर इसको पकाएंगे। प्याज, बंद गोभी और शिमला को हमने बारीक बारीक कट कर लेना है और उसके बाद जो है वो हमने अब हम चिकन को पकाएंगे। इसमें हमने 1 कप पानी शामिल कर देना है और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको थोड़ी देर हमने 5 मिनट के लिए भून लेना है। फिर गोश्त जो है वो गल जाएगा तो आसानी के साथ जो है वो हड्डियों से अलहदा हो जाएगा। फिर इसके छोटे छोटे जो है वो हमने टुकड़े कर लेने हैं और उसके बाद हमने चिली सॉस केचप लेनी है और केचप में जो है वो हमने थोड़ी सी मायोनीज शामिल कर देनी है। इसको हमने मिक्स कर लेना और इसमें हमने प्याज और बंद गोभी जो हमने बारीक बारीक कट की थी वो इसमें शामिल करके इसको हमने मिक्स कर लेना है और फिर यही जो है वो हम बर्गर में लगाएंगे। और शिमला जो है इसको हमने थोड़ा 1 चम्मच ऑयल डाल के उसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है हल्का हल्का। उसके बाद हमने तवे पर हल्का सा ऑयल लगाना है और बंद को जो है वो हल्का हल्का जो है वो हमने गरम कर लेना है और उसके बाद जो है वो हम बर्गर रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने मायोनीज और केचप में जो वेजिटेबल्स डाल के तैयार की थी सॉस वो हमने सबसे पहले लगानी है। उसके बाद हम लगाएंगे चिकन और चिकन लगाने के बाद हमने इसके ऊपर लगानी है शिमला और फिर हम लगाएंगे इस पर केचप, मायोनीज और हमारा यम्मी सा बर्गर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।